फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आखिरकार काफी इंतजार के बाद, अवाम को काफी तकलीफें उठाने के बाद आज चंद्रन गुट्टा फ्लाईओवर का इफ्तिताह होम मिनिस्टर महमूद अली के हाथों अमल में आया है। इस मौके पर हैदराबाद पार्लियामेंट MP असदुद्दीन अवैसी और चंद्रन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन अवैसी और दूसरे देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। के लिए कई ब्रिजेस हैदराबाद में डाले गए और खासतौर से पुराने शहर में भी टोटल इस ब्रिजेस के लिए जो टोटल हैदराबाद नया शहर और पुराने शहर के अंदर CM साहब ने 8,052 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिस जो SRDP फंड से जारी होते हैं, जिसमें 31 ब्रिजेस बनाए गए हैं और खासतौर से पुराने शहर में भी बहादुरपुरा ब्रिज, अवेसी जंक्शन ब्रिज, चंद्रगुटा ब्रिज साबिका में बन चुका और एक्सटेंशन हुआ है और इसमें आरामगढ़ और नलगुंडा ब्रिज बनने वाला है, वो भी बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि खासतौर से तेलंगाना स्टेट बनने में बहुत जद्दोजहद से भरा है और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मौजूद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब और CM साहब ने मिलकर इस शहर को अमन का गवाना बनाना चाहते और उसकी तरक्की देना चाहते। आज हमारा शहर काफ़ी अच्छी तरीके से तरक्की कर रहा है, खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद GSMC की तरफ से जो मीटर गेज प्रोवाइड किया जा रहा है, आज 150 करोड़ रहा है, जहाँ पर अरे कार्पोरेटर साहब को अंदर जाने दो, तुम लोग बोलो समझ से। अरे प्रेस वाले उधर जाओ भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर हमारा अमन से रहेगा, प्यार से रहेगा, हम सब मिलजुल कर तरक्की करेंगे। जिस तरह हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट तरक्की कर रही है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। आप देखते हैं 8 साल के अंदर हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट बहुत तेजी से तरक्की करे, हर शोभा याद में हमारे आदरणीय CM साहब ने अच्छे अच्छे स्कीम्स लाते हुए आवाम को सहूलत पहुँचाई जाती है और हर स्कीम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत सहयोग होता है। उसके लिए हमारे बहुत से रुकने पार्लियामेंट जनाब
असदुद्दीन अवैसी साहब का मंत्री की जगह से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझे जो वोट दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को कर करता हूँ। हमारी स्टेट एक अमन की स्टेट है, मोहब्बत की स्टेट है, प्यार की स्टेट है। इसके लिए आवाम की ताउन की जरूरत है। और जिस तरह इस हफ्ते में हमारे असद भाई का ताउन हुआ है, अकबर भाई का ताउन हुआ है, हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिलन ये तेलंगाना एक सुनहरे तेलंगाना बना है। इसलिए लोग इससे जलते हैं क्योंकि यहाँ की तरक्की आज सारे हिंदुस्तान में, अगर कोई स्टेट है अमन और भाईचारे की तरक्की करने वाली स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसके लिए ताना ले और हैदराबाद के भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोगों ने खासतौर से ऐसे हालात में ताउन किया है उन तो तमाम कमेटी की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।